सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आप मेरे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग USB पेन ड्राइव या मोबाइल का मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते ही होंगे और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत जल्दी करप्ट हो जाती हैं और हम इसे फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं और लैपटॉप में या मोबाइल में कनेक्ट करके, लेकिन ये उसमें भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती और उसे हम फाइनली बेकार समझकर फेंक देते हैं। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम इसे आप खुद इसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं, हमने एक जो है USB लगा रखी है जो कि करप्ट है, बेकार है। यहाँ आप देख सकते हैं USB ड्राइव, इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये लिखा आता है प्लीज़ इंसर्ट ए डिस्क इनटू USB ड्राइव, कह रहा है कि आप USB ड्राइव इसमें इंसर्ट करो, जबकि ये USB लगी हुई है। तो अगले हम चलो देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट करके इसको कि ये फॉर्मेट हो रही है या नहीं हो रही। तो फॉर्मेट पर हम चलिए स्टार्ट कर दिए, ओके। देखिए अब ये जो हम फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो ये कह रहा है विंडोज़ वाज अनएबल टू कम्प्लीट द फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट भी नहीं हो रही है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ स्टार्ट में आ जाइए और यहाँ सर्च कीजिए CMD। जैसे ही आप CMD सर्च करेंगे यहाँ आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। याद रखिए कि स्टेप बिल्कुल सेम उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होगा फिर से ही। आप ये कमांड प्रॉम्प्ट देखकर घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्टेप है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बस कुछ ही लाइनें आपको लिखनी है और आपकी USB ठीक हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला कमांड, इस कमांड जो भी कमांड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी देख करके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हमारा कमांड है डिस्क पार्ट, तो ये देखिए हमने डिस्क पार्ट इंटर किया लिख करके, तो अब ये देखो डिस्क पार्ट सेलेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या है कि लिस्ट देखनी है डिस्क की, कितनी डिस्क इसमें अटैच्ड हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डिस्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क की जो है लिस्ट की जितनी भी अटैच रहेंगी आपके कंप्यूटर में, यहाँ पे 2 शो कर रहा है, आपके हो सकता है ज़्यादा शो करे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी मेमोरी कार्ड या USB पेन ड्राइव जितनी भी कैपेसिटी या GB की है आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही देखकर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आप 149 GB, ये मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और ये 14 GB जो मैंने अभी USB जो लगाई है जो करप्ट हो चुकी है वो है। तो चलिए हमें जो है मतलब ये डिस्क 1 ही सही करना है। तो उसके बाद हमारा अगला कमांड है सेलेक्ट डिस्क, अब देखिए यहीं पर ये 1 लिखना है, डिस्क 1 यानी मतलब हमको ये वाली हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिस्क 1 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। तो अब क्या करना है, हमें इसे क्लीन करना है, सिंपली क्लीन लेकर के इंटर कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क। तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि ये सक्सीड नहीं हो पाता, तो आप दोबारा से क्लीन लिख के इंटर कीजिए, अगर दोबारा भी नहीं हुआ तो तीसरी बार कीजिए, तीसरी बार में तो पक्का ही हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी ये लिख करके इंटर करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क पार्ट सक्सीड इन द क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। तो अब उसके बाद अगला कमांड है एक्टिव, अब ये देखिए डिस्क पार्ट मार्क द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव। तो अब उसके बाद अगला कमांड है सेलेक्ट पार्टीशन 1, ये लिख करके इंटर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है पार्टीशन 1 इज़ नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन। उसके बाद हमें अब फाइनली जो है लास्ट कमांड यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट, उसके बाद FS का मतलब होता है फाइल सिस्टम, हम लिखेंगे FAT32। आप चाहें तो ये वाला भी जो है NTFS भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर बेहतर यही होता है FAT32, आप इसे लिख करके इंटर कर दीजिए।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% कंप्लीट है। तो ये जो है फॉर्मेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और ये फॉर्मेट जैसे ही हो जाता है हम फिर से आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 100% फॉर्मेट हो चुकी है, यहाँ पे डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। तो ये हो गई फॉर्मेट, अब हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं, फाइल सिस्टम एग्ज़िट हो गया, अब इसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद माई कंप्यूटर में बंद करके चल के देखते हैं, यहाँ देखिए जो पहले कुछ भी शो नहीं हो रहा था वो अब ये देखिए अब ओपन हो रही है, ये मतलब कि ये बिल्कुल सही हो गई। आप देख सकते हैं ये 14.9 GB फ्री बता रहा है, मतलब ये 16 GB पूरी टोटल फ्री है अभी। तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है या फिर आपके मोबाइल की मेमोरी, किसी को भी सेम इसी तरीके से आप फॉर्मेट करके सही कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है जी। जो भी कोड हमने यूज़ किया है उसको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप वहाँ से देख करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको अच्छी सी नॉलेज मिली होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।